has taken as conventional direction of electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है उसी को हमने कन्वेंसली, कन्वेंशनल मतलब कन्वेंशनल रूढ़िवादी तरीके से, यानी जो पहले बहुत पहले हमने पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही हमने करंट करंट डायरेक्शन मान रखा था, तो वहीं अभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे ही मान रखा है। एक्चुअली उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी उस समय, डिस्कवर नहीं हुआ था इलेक्ट्रॉन, तो उस समय ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की खोज होने के पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पता था लोगों को। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता था, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज ये भी पता था उनको, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है एटम का, ये इसके बारे में थोड़ा उनको सही से पता नहीं था। हाँ, ये स्टैटिक चार्ज जानते थे वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है किसी बॉडी का, नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कारण ऐसा वैसा हो रहा है ये वो नहीं जानते थे। तो वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण, उन्हें ऐसा लगता था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण ही ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। तो एक्चुअली वो क्या होता था, किसी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एटम स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण किसी कंडक्टर में जो कोई भी कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाता है उस कारण होता है, पॉजिटिव चार्ज कारण थोड़ी ना होता है। पॉजिटिव चार्ज कारण होता है इलेक्ट्रॉन कारण होता है, क्योंकि हमें पता है एटम की, एटम का स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल चार्ज, पर कोई चार्ज नहीं होता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही काफ़ी थोड़ा से भारी एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, यही पूरे एटम का मास बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन बड़ा हल्का फुल्का होता है, बहुत ज़्यादा इसका नेग्लिजिबल मास होता है, इसके मास को भी हम कंसीडर भी नहीं करते, और जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आपको पता है कंडक्टर्स में ये प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर होकर नहीं घूमेगा, कि न्यूक्लियस से बाहर आ गया और वो चार्ज कैरी करके इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देगा, नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वही करते हैं। और हमें पता है का न्यूक्लियस के अराउंड काफ़ी ढेर सारी सेल्स भी होती हैं, तो सबसे जो आउटर मोस्ट सेल होगी, जैसे आप कॉपर की बात कर ले, तो कॉपर की जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उस पर थोड़ा न्यूक्लियर फोर्स कम होता है, क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स जो होता है न्यूक्लियर फोर्स होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अलग अलग सेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर थोड़ा सा वीक फोर्स होता है, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपनी मनमानी करके निकल लेता है, और यही जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वहीं फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है मेटल्स में, तो मेटल्स में ऐसे बॉन्डिंग होती है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर पाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मेटल में घूमना घामना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके जब इलेक्ट्रिक चार्जेस इधर उधर फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस चलना स्टार्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट कर जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं भी चल दे तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोड्यूस होगी, चार्जेस को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो करना पड़ेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर कर रहे हैं अगर किसी तरीके से वो एक डायरेक्शन में फ़्लो करने लगें तो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे मैं रुकी इसको ऐसे हाइलाइट कर देता हूँ। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेकन एज कन्वेंशनल डायरेक्शन, तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को कन्वेंशनल डायरेक्शन मानी गई है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट। और हालांकि कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करते हैं, कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो करते, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन चलते हैं उसको उल्टी डायरेक्शन में हम करंट को मानते हैं। ठीक, हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे जा रहा है, तो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब जो कन्वेंसली मान लिया गया तो उसको सुधारा नहीं गया, वैसे ही हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट इन मेटल वायर जल्दी से देख लेते हैं। व्हेन वी कंसीडर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन ऑर्डिनरी कंडक्टर सच एज कॉपर वायर, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने अभी बताया वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कॉपर वायर में जो करंट डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के फ्लो के क्या होती है, अपोजिट होती है। मेटल्स ऑफ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग, तो मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तभी आप देखते हैं मेटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनके मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में काफ़ी ढेर सारा केमिस्ट्री में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। अकॉर्डिंग टू दिस बॉन्डिंग, दिस बॉन्डिंग अकॉर्डिंग क्या होता है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंड टू एनी पर्टिकुलर एटम, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर एटम से बाउंडेड नहीं होते, बंधे नहीं होते, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बंधे नहीं होते, यानी इस पर न्यूक्लियर फोर्स कम होता है। एंड मूव फ्रीली इनसाइड द मेटल रैंडमली, ठीक है, इसे फिगर यहाँ मैं बना देता हूँ, फिगर यहाँ पे आप
आपके लिए। मान लीजिए कॉपर मेटल वायर है, यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, ऐसे काफ़ी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके, आप छोटे मोटे नहीं काफ़ी ढेर सारे होते हैं, तो इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं एंड मूव फ्रीली इनसाइड द मेटल रैंडमली, ठीक है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शंस, ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में इधर उधर फ्रीली मूव करते रहते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड विद डिफरेंट स्पीड्स, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, अलग अलग स्पीड होती है इनकी। सो देर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन इलेक्ट्रॉन्स का नेट मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से इधर उधर करते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो इससे किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक करंट कंस्ट्यूट नहीं होता। यानी अगर आपका दरवाजे का हैंडल है कॉपर वायर का बना है, सॉरी कॉपर मेटल का बना हुआ है, या किसी भी मेटल का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो उसके अंदर भी अभी भी इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेकिन तब भी हम इलेक्ट्रिक करंट, उसको छूने पे हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगेगी, क्योंकि अभी क्या है सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर कर रहे हैं, तो उनका जो नेट मूवमेंट होता है वो नेट मूवमेंट एकदम जीरो है, क्योंकि इधर उधर करके किसी भी स्टैंड ऑफ टाइम देखूँ तो वो आपको वहीं मिलेंगे, क्योंकि इधर उधर करके बार बार वो उसी पॉइंट पर आ जा रहे हैं, तो नेट मूवमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट क्या जा रहा है, एक तरीके से जीरो हो जा रहा है। अगर यही इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं, अगर इनको हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएं, तो उनमें एक नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा जो कि जीरो नहीं होगा, तब इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट कर जाएगी, तो ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका जो नेट मूवमेंट जो होता है, नो नेट मूवमेंट मतलब जीरो होता है। एज अ रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, देर इज़ नो नेट फ्लो ऑफ करंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो कैसे करंट फ्लो हम कराएंगे, उसके लिए हम करते क्या हैं, उसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका मूवमेंट कराने के लिए हम इस पर क्या करेंगे, एक बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से एक प्लस हो गया, माइनस हो गया, इसके क्रॉस अगर ऐसे हम बैटरी लगा देते हैं बैटरी लगाने से एक्चुअली क्या होता है, इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आगे हम बताएंगे, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, जिसे आप सिंपल वर्ड में भी मैं बोल देता हूँ उसे कि इलेक्ट्रिक प्रेशर, आप एक तरीके से बोल लीजिए, यानी एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करता है, जो उस प्रेशर क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे, यहाँ इनका एक नेट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, नेट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ बस, तो ये सब नेट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स ये सब इस डायरेक्शन में से घूमना स्टार्ट कर देंगे, और जो करंट होगी वो इस डायरेक्शन में मानेंगे, करंट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो ऐसा हो पाता क्यों, क्योंकि हम इसके क्रॉस क्या कर दिए, बैटरी, बैटरी क्या करेगी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करेगी। तो ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, यानी यहाँ पे हायर पोटेंशियल होता है सॉरी, और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल होता है, ये लोअर जो छोटी सी डंडी खींच रखा है वो लोअर पोटेंशियल, तो हायर प्रेशर लोअर प्रेशर, तो इधर हाई से लो की तरफ करंट स्टार्ट हो जाती है जाना, देखिए करंट डायरेक्शन इधर होती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ आते हैं, ठीक है। जिस तरीके से अगर, और तब तक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते रहेंगे जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रहेगा, तो आपको ये जानना चाहिए जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा तब तक ये करंट बहती रहेगी। ऐसा नहीं कि आपने बैटरी लगा दी तो ज़िंदगी भर सो जाइए कि इलेक्ट्रिक करंट अब बहती रहेगी, क्योंकि अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए अंदर एनर्जी देनी पड़ती है, वो एनर्जी कौन देता है, बैटरी देती है। तो इसके बारे में अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी, जब पोटेंशियल डिफरेंस मैं बताऊँगा तो उसके बाद मैं समझा दूँगा। तो अभी समझ लीजिए बस, ये बैटरी जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेनटेन कर पाती है। मान लीजिए अब आपके पास बैटरी जो होती है पेंसिल बैटरी, वो 1.5 वोल्ट की होती है, तो 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट करी रहती है। फिर धीरे धीरे इसकी केमिकल अंदर, एक्चुअली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, उस केमिकल एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो बैटरी अब रिमोट वमोट जिसमें आप लगा रखे होते हैं घड़ी उड़ी में, तो वो नहीं चलने वाली, बंद हो गया। तो जब तक केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही तब तक चल रहा था। तो जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक ये प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट होता रहेगा, तब तक इलेक्ट्रॉन्स
मूव करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उनमें एक नेट ड्रिफ्ट आएगा, तो उस नेट ड्रिफ्ट आने से क्या होता है, वो फिर इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट हो जाती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो इतना इनफ है आपके लिए। चलिए फिर आगे और भी जो क्वेरी होगी मैं लूँगा, और इसके आपके लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लाया हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप ये प्रॉब्लम की स्क्रीनशॉट ले लें, या ऊपर भी जो जो मैं समझा रहा था उसको भी आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो शायद अच्छा होगा, और साथ में कॉपी में लिख ले जरूर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने ले लिया होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दे रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, और आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया कि जैसे किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ये मैंने आपको बताया, द चार्ज ऑन अ बॉडी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर क्यू इज इक्वल्स टू, मैं ऐसा लिखता हूँ, तो चार्ज जो होगा प्लस माइनस एनी होगा, यानी किसी जो सबसे मिनिमम एग्जिस्टेबल चार्ज है, यानी जो सबसे छोटा छोटा चार्ज किसी बॉडी में हो सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है ई के बराबर होता है, इससे छोटा पॉसिबल चार्ज नहीं है, यानी 1.6 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाई 2, ये ऐसा कोई चार्ज नहीं है, यानी नेचर में ई के बराबर चार्ज होता है, यानी ई के मल्टीपल में भी होगा, इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। तो लेकिन फिलहाल अभी ऐसे जानिए कि जो किसी बॉडी पर चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल पे होगा, यानी ई हो सकता है 2e, 3e, 4e, 5e, 10e, 100e, 500e, ऐसे ही होगा, यानी ई के मल्टीपल्स फॉर्म नहीं होगा, 2/3e, 5/2e ऐसे नहीं होगा, इंटीग्रल होगा। ठीक है, और प्लस किसके लिए लगा हुआ है, प्लस प्लस साइन क्या बता रहा है, प्लस साइन आपको डेफिसिट बता रहा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो पॉजिटिव चार्ज होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा तो माइनस होगा। तो क्यू प्लस एन ई और क्यू माइनस एन ई, तो इसके एक साथ मैंने लिख दिया क्यू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, तो चार्ज जो क्यू होता है वो एन ई के बराबर होता है, ये भी एक तरह का फार्मूला रट लो, बहुत सिंपल सा है वो आप समझ जाओगे। इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड टू कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल पढ़ते समय आप डाटा लिख लेना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज दिए रखा है वो दे रखा है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये मैग्नीट्यूड है चार्ज का, नेचर आप बताना चाहते हो तो यहाँ माइनस लगा दोगे। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन पे चार्ज भी यही होता है सेम 1.6 × 10⁻¹⁹, बस आगे प्लस लगा देना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये हो गया, और टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, और क्या दे रखा है मुझे कि उस कंडक्टर में मुझे कितनी करंट फ्लो करानी है 1 सेकेंड में, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर में 1 एम्पियर, 1 सेकेंड 1 एम्पियर करंट सॉरी उस कंडक्टर से फ्लो करे, तो फ्लो कराने के लिए मुझे कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब यहाँ चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करे कंडक्टर में, तो कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन हम फ्लो कराए किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड से, 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर में मैं कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कराऊं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कराऊं कि उसमें 1 एम्पियर की करंट कंस्टिट्यूट कर जाए। तो मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन बताना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आई इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी, और क्यू क्या होता है बताया, क्यू क्या होता है एन ई के बराबर होता है, जहाँ एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू ये देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये दे रखा है, अपॉन टी मुझे क्या चाहिए एन चाहिए, तो एन को मैं यहाँ रहने देता हूँ, तो आई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आई टी अपॉन ई हो गया, ई यहाँ पे इनटू में था यहाँ डिवाइड में आ गया। ठीक है, बस सिंपली से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो एन इज कॉस्ट क्या हो जाएगा, आई हो गया 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर। ठीक है, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर से कोई यूनिट आने वाले नहीं है, फिलहाल मैं यहाँ यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, एम्पियर सेकेंड और यहाँ पे कूलम, एक्चुअली सब काटेंगे आप तो सब कट जाएगा, क्योंकि एन क्या है नंबर, नंबर एक प्योर क्वांटिटी है, तो प्योर क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी नहीं लिख रहा हूँ, इतना आप समझ जाओगे। 1 एम्पियर, टी कितना हो गया 1 सेकेंड हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, सॉरी ई मतलब क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, यहाँ प्लस माइनस लिखने से कोई मतलब नहीं है,
माइनस बेसिकली बताता है कि नेचर क्या है, नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इसे सिंपली आप कर लीजिए, 1 × 1 1 हो गया, 1.6 10⁻¹⁹ को मैं जब ऊपर ले जाऊंगा तो चार्ज सॉरी तो जब पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब सिंपली इसको मैंने यहाँ से कैंसिल किया, डेसिमल हटाया, रिमूव किया, ऊपर 10⁻⁶ हो गया, 2 5 जा और 2 8 जा हो गया, 5 by 8 और 5 by 8 यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ मैं कर देता हूँ आपके लिए 5 by 8 तो हो गया 0.40 हो गया, 8 6 48 और यहाँ पे सबट्रैक्ट करा 2 पॉइंट लगा रखा है तो 0 हो गया सॉरी 8। अब ले जाएंगे हम कितने, 8 2 16 ले गया मैं, माइनस किया 4 40 हो गया, 8 5 40 ले कट गया। ठीक है, आपको पता है 5/8 है, 2³ फॉर्म में है, तो यानी ये क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। रेशनल वाला वीडियो आप जाके देखोगे समझ में आ जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है रेशनल नंबर का। तो कितना आ गया, 0.625 × 10⁻¹⁹। इसको मैं पॉइंट को इधर ले जाऊंगा, इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखूंगा, पॉइंट को जब इधर ले आऊंगा मैं तो 6.25, पॉइंट को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक माइनस करना पड़ेगा, 19 कितना हो जाएगा, 18। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी एक सेकेंड में अगर 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में अगर किसी कंडक्टर से पास होंगे तो उसमें करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर के डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हो कि अगर किसी कंडक्टर में एक सेकेंड में अगर 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू हो रहे हैं तो उस कंडक्टर में जो बहने वाली करंट होगी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट इसके पहले मैंने बता चुका हूँ, ऐसे भी दे सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, यहाँ आपको 10⁻¹⁸ समझ में आई होगा, एक्चुअली क्या कर रहे हैं यहाँ मैं दिखा देता हूँ, कुछ लोग शायद प्रॉब्लम कर रहे हैं इसीलिए 0.625 × 10⁻¹⁹ लिखा हुआ था। ठीक है, तो पॉइंट को यहाँ लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 10 से इंटू करूँगा, 10 से इंटू किया तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 10 से इंटू करेंगे तो 0.625 क्या हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा, और 10 से जब डिवाइड करूँगा तो मुझे पता है डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो 19 − 1 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए आप, इसकी वैल्यू यानी 1/ ये वैल्यू बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगी, 1/1.6 × 10⁻¹⁹ की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.25 × 10⁻¹⁸। याद कर लीजिए, इसको बहुत आसानी से आ जाएगा। अब देखिए मैं इसका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपको दिखा देता हूँ, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। अब इस ये आप करेंगे, ये दोनों आपके लिए मैंने छोड़ रखा, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसानी सा है, और इसको करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको थोड़ा सा महीन दे रहा हूँ, यहाँ देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू आर लैंप इन 1 मिनट, और यहाँ पे क्या है, 200 mA दे रखा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पे ये दे रखा है, तो यहाँ पे एन ही आपको चाहिए, एन स्पोस्ट क्या होता है, IT/E, आई कितना है, 200 mA, 200 mA पर भी मैंने बता चुका आपको मिली एम्पेयर स्पोस्ट क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर, तो 200 mA क्या लिखेंगे, 10⁻³ एम्पियर। तो हर चीज़ को ऐसा यूनिट बदल लीजिएगा, तभी सब कुछ ऐसा यूनिट में आएगा, तभी ऐसा यूनिट में आएगा, मिली एम्पियर ऐसा यूनिट नहीं है, कन्वर्ट कर लीजिए बस, सब कुछ नहीं करना है आपको। तो 200 × 10⁻³ कर दिया, और टाइम क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट को ऐसा यूनिट में सेकेंड होता है, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ 60 कर लिया, और ये कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, यहाँ पर 10 लिखा है सॉरी, तो यहाँ 19 कर लीजिए। ठीक, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे पॉइंट हटाइए और अगड़म तगड़म बगड़म काटिए, ऐसे मत करिएगा, कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है, देखिए मैं यहाँ सेपरेट करके लिखूँ समझ में आ जाएगा, 200 × 10⁻³⁹ × 60 × 1/1.6 × 10⁻¹⁹। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल हमने इसी की वैल्यू लेके आई है, सॉल्व किया हमने, तो बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ लिखा 200 × 10⁻³⁹ × 60, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.25 × 10⁻¹⁹ ये हो जाता है। बस यहाँ पे देख हो जाइए, देखिए 0 0 0, ये 200 से 100 निकाले, 60 से 10 निकाली, 10³ हो जाएगी, कट गया, आई बात समझ गया।
है ना, इतना समझ में आना चाहिए भाई। 260, यहाँ 100 निकाले, यहाँ से 10 निकाले, 1000 बन गए, 1000 को 10 पावर 3 लिखते हैं, ये 10 पावर +3, 10 पावर -3 कैंसिल आउट हो गया, 6 2 जब 12, 6.25 × 10 की पावर 18। बस सिंपली आपको 12 से इंटू कर देना है, तो 12 5 जो हो जाता है 60, 12 2 जो होता है 24, 24 और 6 हो गया 30, कैरी हो गया 3, 12 6 72, 72 में कर दिया 75, और पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के बाद ये 75.10 की पावर 18। इसको और अच्छे से लिखना चाहिए, पॉइंट को इधर कर दिया, 7.5 × 10 की पावर 19। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कितना सिंपल सा कैलकुलेशन हो गई। अगर आप यहाँ पे इसको पॉइंट हटाते, फिर यहाँ 16 2 8 जा 16, ऐसे ऐसे कट कुट करने स्टार्ट करते, तो काफ़ी ज़्यादा आपने लिया प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते। बस आपको अगर इसकी वैल्यू पता है तो आप इसे कर पाओगे। ये जो नेक्स्ट वाला एग्जाम, ये न्यूमेरिकल है, वो आपके लिए है। ठीक है, तो ये आप करके लाइए और मुझे बताइए कितना आंसर आया है। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करिए। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, कीप ऑन स्टडिंग एंड डू सब्सक्राइब पावर ऑफ लर्निंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन आई एम वेरी हम्बल टू यू। राइट, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।